हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। तो आज हम लिस्ट बॉक्स में एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल का, साथ ही साथ हम वैल्यू फंक्शन जिसे हम वैल फंक्शन बोलते हैं शॉर्ट में, लिस्ट बॉक्स के कुछ नए मेथड्स और यूज़ ऑफ ये जो एम्परसेंड साइन है ये हम सीखेंगे आज। तो बने रहिए इस लेक्चर में आखिरी तक और कोशिश करिएगा कि इस प्रोग्राम को आप अच्छी तरीके से समझ सकें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन पे दें। तो ये जो हमारा फाइल है वीबी प्रोजेक्ट वाला 001 वाला, इसमें हम एक नया फॉर्म ऐड कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये आ गया हमारा फॉर्म नंबर 4, इसे मैं रीनेम कर रहा हूँ, इसका नाम रख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल का फॉर्म तैयार है, यहाँ पे डॉट वीबी रहना ज़रूरी है, ओके। और इसमें हम कुछ कंट्रोल्स लेके आएंगे, तो आप देखते जाइए, मैं आपके सामने सारी चीज़ें करूँगा। ये एक बटन है जिसके द्वारा हम प्रिंट करने वाले हैं टेबल को, प्रिंट टेबल। और ये दूसरा है जिसके थ्रू हम एग्ज़िट करेंगे, और एक इस पे लगेगा टेक्स्ट बॉक्स, एक लेबल लगेगा। इस लेबल की सहायता से मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा मल्टीप्लिकेशन टेबल को। और एक लिस्ट बॉक्स ले आते हैं, लिस्ट बॉक्स की साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, और साथ ही साथ इसे थोड़ा सा चौड़ा भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से कार्यक्रम थोड़ा सा चालू होता है, जब आप दो अलग अलग कंट्रोल को, ये लेबल है और ये लिस्ट बॉक्स है, इन दोनों को जब सेलेक्ट करते हैं एक साथ, तो इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो होती हैं। जैसे कि हम दोनों का फॉन्ट का साइज़ एक ही रखना है, मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट का साइज़ 16 रहे, स्टाइल जो है बोल्ड रहे, तो आप देखेंगे कि इन दोनों का हम एक साथ चेंज कर सकते हैं। ये तरीका जो है आपके लिए तब कारगर साबित होता है जब आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ ऑपरेशन करना चाहते हैं तब। और इसी प्रकार यदि मान लीजिए इसका साइज़ अलग है और इस लेबल का साइज़ अलग है, इन दोनों को हम एक ही साइज़ का बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेट में आप मेक सेम साइज़ विड्थ या हाइट कर सकते हैं। तो मुझे जैसे चौड़ाई एक जैसी करनी है, तो आप विड्थ में क्लिक करेंगे तो इनका साइज़ जो है एक जैसा हो जाएगा, जबकि दोनों कंट्रोल सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों कंट्रोल डिफर हैं इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। जब लेबल की बात आती है, जैसे कि ये कमांड बटन है, इन दोनों का साइज़ डिफरेंट हो और इन दोनों का आप एक साइज़ का करना चाहते हैं, तो आप मेक सेम साइज़ में विड्थ में क्लिक करके आप इन दोनों को सेम साइज़ विड्थ से भी कर सकते हैं और हाइट से भी कर सकते हैं। तो हमें इसमें करना ये है कि हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इनपुट लेंगे, और वैल्यू इनपुट लेने के बाद इसका भी फॉन्ट साइज़ जो है मैं सेम 12 और बस इतना काफ़ी है। इसमें मैं एक वैल्यू लूँगा, इस वैल्यू में जो भी हमें इसका जो पहाड़ा है, जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है, वो हम लिस्ट बॉक्स में प्रिंट करने वाले हैं। तो फॉर्म का साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे डाउट है कि पूरा टेबल यहाँ पर प्रिंट होगा कि नहीं। जैसे 2 1 2 2 2 4 2 1 2, ये वाला जो टेबल होता है हम प्रिंट करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा तैयारी करने के बाद कोड विंडो पे। तो इस पूरे फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स का नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये लिस्ट बॉक्स 1 है, ये लेबल है जिसकी ज़रूरत हमें कोडिंग पे नहीं पड़ने वाली, ये कमांड बटन है और ये एग्जिट बटन है। तो शुरुआत करते हैं एग्जिट बटन से। इस एग्जिट बटन पर क्लिक करने पर हम सीधा लिख देते हैं मी डॉट क्लोज, जिससे कि फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर हम चलते हैं यहीं से बटन 1 पे। बटन 1 जो है हमारा, ये जो बटन 1 है ये प्रिंट करने के लिए टेबल को, तो बटन 1 पे हम शुरू करते हैं अपना काम। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं सबसे पहले dim num as integer, जिसकी सहायता से मैं लूप चलाने वाला हूँ। और यहाँ पे हमने पिछली बार फॉर लूप पढ़ा था, आज हम डू वाइल लूप भी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। तो ये जो लेक्चर है आपका सिर्फ लिस्ट बॉक्स को नहीं समझाएगा, लिस्ट बॉक्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको क्लियर करेगा। तो हम इसमें डू वाइल लूप का इस्तेमाल भी करने वाले हैं। तो नंबर को इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 1 1, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो नंबर हमने डिक्लेयर किया है इसकी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है ये 0 होती है। तो यहाँ पे मैं नम को इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ 1 से। इसके बाद में फिर डू वाइल लूप लगाता हूँ, जहाँ तक हमें पहाड़ा प्रिंट करना है वहाँ तक मैं लूप लगाऊँगा, डू वाइल नम इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे डू वाइल लूप का ये सिंटैक्स हो गया कि डू वाइल लूप का भी इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसे सेव करते हुए चलते हैं, और आगे हमें करना क्या है,
हमें लिस्ट बॉक्स में आइटम्स को ऐड करना है। तो पिछले लेक्चर में हमने लिस्ट बॉक्स में आइटम्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे लिखा था लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड। हमें ऐड क्या करना है वो हम इस ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं, तो वो आइटम जो है ऐड हो जाएगा। अब हमें वो कौन से 10 आइटम ऐड करने हैं इसी का लॉजिक यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो मैं यहाँ पे अब आगे बढ़ता हूँ ताकि आपको एक बार स्क्रीन में दिखाई देना शुरू हो जाए। देखिए सबसे पहले मुझे क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है वो नंबर जो मेरे पास में टेक्स्ट बॉक्स में रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। तो ये जो वैल्यू फंक्शन है ये क्या करेगा, जो भी आपके टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू रहेगी उसे रीड करेगा और ये उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये वैल्यू फंक्शन का काम होता है कि आप टेक्स्ट बॉक्स में जो भी नंबर लिखेंगे वो एक प्रकार का टेक्स्ट होता है, इसलिए उसे कन्वर्ट करना आवश्यक होता है। इसलिए मैं उसे क्या कर रहा हूँ, उसे चेंज कर रहा हूँ इंटीजर में। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन का साइन, देखिए पहाड़ा जो है वो कैसे प्रिंट होता है, ये प्रिंट होता है 2 × 1 = 2। तो ये एक्चुअली फॉर्मेट है और अभी मेरे पास में सिर्फ क्या लिखाया है, 2 लिखाया है। तो अब सबसे पहले मैंने 2 तो लिख दिया, इसके बाद में फिर मुझे चाहिए मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ampersand और जो भी साइन मैं देना चाहता हूँ उसे इस डबल कोटेशन मार्क की सहायता से और ampersand की सहायता से उसे ऐड करूँगा, क्योंकि ये प्रिंट करेगा 2 को और ये प्रिंट करेगा x के साइन को, x जो है मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आता है मेरे पास में नंबर, क्योंकि मुझे नम से इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे नम जो है मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। उसके बाद में फिर डायरेक्टली यहाँ पे मुझे इक्वल टू का साइन देना है, तो यहाँ पे मैं फिर से ampersand का साइन लगाऊंगा आगे और पीछे दोनों तरफ। ये हो गया आपका नम, नम के बाद में आ जाएगा आपका इक्वल टू का साइन, जैसे कि यहाँ पे है 2, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर हो गया 1 और ये हो गया इक्वल टू। इसके बाद में फिर मेरे पास में क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट जो है वो किस में शो हो रहा है, ये हो रहा है आपका वेल मल्टीप्लाइड बाई जो आपका वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट है, इसमें स्टोर हो रहा है। तो देखिए ये हमारा काम जो है ये यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे हमको लिखना है नम। तो अब ये होगा क्या, हमें करना तो केवल इतना है कि जो भी हमारा नंबर है ये 1, 2, 3, 4 ये लूप चल रहा है, 1 से लेके स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन दिए हुए हैं डू वाइल नम इज़ लेस देन इक्वल टू 10। अब हम आगे एक लाइन और लिखेंगे नम इज़ इक्वल टू नम प्लस 1। तो इस तरीके से हमारा जो काम है पूरा कंप्लीट होता है। ये काम कैसे करेगा, सबसे पहले नम की वैल्यू रहेगी 1, 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा जो भी हम नंबर देंगे उसके साथ में, और वो चीज़ क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो एक बार इसे आपको चला के दिखाता हूँ, फिर आगे इसमें और भी कुछ चेंजेस करने वो हम करते जाएंगे। तो इसे यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाके जो हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर्म है उसे चुनना है। ये रहा फॉर्म 4 नाम है इसका, प्ले, और यहाँ पे हम नंबर देते हैं जैसे 6 और प्रिंट टेबल में क्लिक करते हैं। तो देखिए ये 6 × 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 × 2 इज इक्वल टू 12 आ रहा है। तो ये काम तो कर रहा है, लेकिन अभी इसमें और चेंजेस क्या करना है वो मैं बता देता हूँ आपको, कि आप अगर यहाँ पे कोई नंबर देते हैं प्रिंट करते हैं फिर कोई दूसरा नंबर देते हैं और प्रिंट करेंगे, तो देखिए ये इसके आगे ऐड हो जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी बार मैं इसमें कोई नया नंबर दूँ तो ये लिस्ट जो है बिल्कुल फ्रेश एक टेबल को प्रिंट करे, तो वो कैसे करेगा ये आपको मैं बताता हूँ। तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि जितनी बार मैं इस बटन पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर हम एक मैथड होता है जिसका नाम होता है लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रिफ्रेश। ये पहला मैथड हो गया ये लिस्ट बॉक्स को रिफ्रेश करने के लिए, मतलब अपडेट करने के लिए। और उसके बाद में हम ये भी कर देते हैं कि लिस्ट बॉक्स जो है हमारे डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, ये क्या करेगा, पहले आइटम्स को सीधा सीधा क्लियर कर देगा। तो पूरे आइटम्स क्लियर करने का मतलब है जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है रिपीट हो जाएगा। तो कंप्लीट लॉजिक जो है एक बार मैं एक बोल देता हूँ आपके सामने कि हो क्या रहा है कि लिस्ट बॉक्स में आइटम्स ऐड हो रहे हैं। कौन कौन से आइटम ऐड हो रहे हैं, आपके जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है वो, उसके बाद में फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, उसके बाद में फिर वो नम जिसकी वैल्यू पहले 1 होती है फिर 2 होती है फिर 3 और 4 एंड सो ऑन, और इज इक्वल टू का साइन, और लास्ट में उस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, और रिजल्ट हमारा क्या है, 1 × जो भी आपका टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है वो। तो इस तरीके से प्रोग्राम जो है कंप्लीट होता है। आप इसे रन करके देखिए, यहाँ पे कोई भी नंबर दीजिए प्रिंट करिए तो ये 5 का टेबल प्रिंट हो गया। आप किसी का भी टेबल प्रिंट करना चाहेंगे इस तरीके से क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, सिंपल।
तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई होंगी तो लाइक बटन दबाइए, और यदि आपको कोई दूसरा प्रोग्राम समझना हो इससे संबंधित जो आपके सिलेबस में हो या आपके असाइनमेंट में हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं कि आप कौन सा प्रोग्राम जाना चाहते हैं, मैं कोशिश करके उसे ज़रूर बना दूंगा। इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं केवल इतना ही कोड आपको दे रहा हूँ यहाँ से एंड प्राइवेट सब से लेकर एंड सब तक, क्योंकि फॉर्म को क्लोज़ करना तो बेहद आसान है। आपको करना केवल इतना है कि ये इतने कंट्रोल्स आपको फॉर्म पे लेके आना है, और इस कोड को आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। बेहतर है कि कॉपी पेस्ट करने से आप बचें, आप कोशिश करके इसको समझ के देख के लिखें और अपना लॉजिक को सही तरीके से क्लियर करके आगे बढ़ते रहें। तो ये मेरा सजेशन है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।